सुप्रभात बच्चों, मैं अनीता शर्मा कक्षा 7वीं हिंदी का हिमालय की बेटी पाठ आज आपको पढ़ाऊंगी। इसके लेखक हैं नागार्जुन। बच्चों, आपने बहुत सारी पर्वत श्रृंखलाओं के नाम के बारे में सुना होगा। हिमालय पर्वत श्रृंखला, जो हमारे देश की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है, इसका नाम आपने अवश्य सुना होगा, परंतु आपने हिमालय की बेटियां ये नहीं सुना होगा। तो ये मैं आपको इस कहानी के माध्यम से सुनाना चाहूंगी। बच्चों, आपने हिमालय पर्वत का नाम सुना है और यह हमारे देश की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। इस पाठ के लेखक हिमालय पर्वत से निकलने वाली नदियों को उसकी बेटियां बता रहा है, यानी हिमालय पर्वत से जो बहुत सारी नदियां निकलती हैं, हिमालय उनको अपनी बेटियों के रूप में देखता है। आप भी बच्चों ये सोच रहे होंगे कि ये कैसे हो सकता है, लेकिन ऐसा ही लेखक नदियों को हिमालय की बेटियां बता रहा है, क्योंकि ये नदियां जो है हिमालय से निकलती हैं तथा इनका बचपन हिमालय की गोद में ही बीतता है, इसलिए हिमालय इनको अपनी बेटियां बता रहा है। लेखक ने उन्हें दूर से ही देखा था, यानी नदियों को तो हम दूर से ही देखते हैं ना बच्चों, पास जाकर के तो हम नहीं देख पाते हैं उनको, या जब हम उसमें नहाते हैं तो तब उन नदियों को देखते हैं, परंतु इनका उद्गम कहाँ से हुआ है, इनका शुरुआत कहाँ से हुआ है, इसके बारे में हमें उतनी जानकारी नहीं रहती है। तो ये नदियां जो है बड़ी गंभीर, शांत और अपने आप में खोई हुई लगती है, यानी कि ये नदियां जो है बड़ी गंभीर लगती है, अपने शांत जल को बहाती हुई एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर ले जाती है। कैसे? जैसे ये कोई एक अच्छे कुल की हो। तो लेखक ने इन्हें जो है संभ्रांत महिला यानी अच्छे कुल की या अच्छे परिवार की जो है महिला के भांति इनको जो है चित्रण किया है। बच्चों, तो संभ्रांत महिला की भांति वे प्रतीत होती हैं, यानी कौन बच्चों? नदियां। संभ्रांत का अर्थ होता है बच्चों शिष्ट। शिष्ट यानी जो बहुत ही ज्यादा जिनमें संस्कार हो, बहुत ही इज्जत आबरू करने वाला हो, ऐसे लोगों को भी हम शिष्टता या शिष्ट जो है व्यक्ति कहते हैं, जब हम व्यक्तियों के ऊपर इस्तेमाल करते हैं, परंतु यहाँ पर जो है नदियों के लिए संभ्रांत कहा गया है, यानी जिनमें शिष्टता होती है। नदियों के प्रति लेखक के मन में आदर सम्मान का भाव था, यानी लेखक जो है नदियों का बड़ा ही आदर करता था, सम्मान करता था। लेखक नदियों के जल में माँ और दादी की गोद की तरह उनकी धारा में डुबकी लगाया करता था। तो बच्चों, आप जानते हैं नदियों को हमारे देश में माँ का दर्जा दिया गया है, जैसे गंगा माँ, यमुना माँ, सरस्वती माँ, यानी इन नदियों को हम माँ के रूप में देखते हैं। तो लेखक ये कहता है कि जब मैं इन नदियों के जल में डुबकी लगाया करता था तो उसे ऐसा लगता था जैसे वो अपनी माँ और दादी की गोद की धारा में डुबकी लगाया करता है। तो यहाँ पर जब हम डुबकी लगाते हैं तो कहा जाता है कि गंगा नदी में डुबकी लगाने से हमारे जीवन में जो हमने पाप किए हैं वो तर जाते हैं, ऐसा माना जाता है बच्चों। तो लेखक भी जो है ऐसी नदियों में डुबकी लगाया करता था। तो बच्चों, एक बार लेखक जब हिमालय के कंधे पर चढ़ा, तो आप सोच रहे होंगे बच्चों कि हिमालय जो है, हिमालय के कंधे के ऊपर लेखक कैसे चढ़ सकता है, हिमालय तो इतना ऊंचा है। परंतु कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि एक बार जब लेखक हिमालय पर गया, वहां जाने के बाद उसने क्या देखा, उसे उसका भिन्न रूप सामने आया, यानी अलग रूप उसने जो है हिमालय का देखा। क्या देखा? वहां पर्वतों से दुबली पतली गंगा, यमुना, सतलुज यानी छोटी और पतली जलधाराएं निकल रही थी, जो समतल मैदानों में जाकर विशाल रूप धारण कर लेती है। यानी कि गंगा जहां से निकलती है उस स्थान को गंगोत्री कहा जाता है बच्चों, और यमुना जिस स्थान से निकलती है उस स्थान को यमुनोत्री कहा जाता है। ये बड़ी पतली जलधारा होती है बच्चों, परंतु ये धीरे धीरे जब मैदानी भागों में आ जाती है तो इनका जो क्षेत्र होता है ये काफी विशाल हो जाता है। इस जगह पे इन नदियों की बाल लीला देखकर लेखक को आश्चर्य होता है, क्योंकि छोटी छोटी नदियां होती हैं, तो ये बाल लीला यानी बचपन। लेखक को नदियों का उछलना, कूदना, खिलखिलाकर हंसना, ये सारी भाव भंगिमा मैदानों में जाकर गायब हो जाना, ये वो सोचता है कि यहाँ पर तो ये इतनी उछल रही हैं, कूद रही हैं, छोटी छोटी पतली पतली नदियां जो हैं अपनी धारा को अपने साथ लेते हुए कैसे जो हैं ये बह रही हैं। किंतु जब ये नदियां
समतल भूभाग पर आ जाती है ना बच्चों, तब इनमें बड़ा परिवर्तन हो जाता है। क्या परिवर्तन हो जाता है? जब हम छोटे होते हैं तो कैसे होते हैं हम जो हैं, हमारे मन में कोई छल कपट या किसी के बारे में बुरा सोचना या अन्य किसी भी तरह का कोई भी बुरा भाव नहीं होता है। हम सभी के लिए एक समान होते हैं। वैसे ही नदियां जब हिमालय की गोद से निकलती हैं तो ये बड़ी छोटी होती हैं, किंतु जब ये मैदानी भागों में आ जाती हैं बच्चों, तब ये कैसा प्रतीत होती हैं? जैसे ये बड़ी हो गई हैं, इनका क्षेत्र जो है वो काफी विशाल हो जाता है, काफी लाखों हजारों किलोमीटर तक जो है ये फैल जाती हैं। हिमालय को नदियों का पिता कहा गया है, हिमालय के गोद से निकलती हैं इसलिए हिमालय को इन नदियों का पिता कहा गया है। जैसे पिता का भरपूर प्यार पाकर, जैसे घर में बच्चों को माँ बाप बहुत प्यार करते हैं, वैसे ही हिमालय भी इन छोटी छोटी नदियों को अपनी बेटी मानता है और उन्हें वो भरपूर प्यार देता है और ये प्यार पाकर ये अतृप्त बनी रहती हैं। बच्चों, इन नदियों की बाल लीला को देखकर लेखक के मन में कौतूहल और विस्मय जागा। कौतूहल, कौतूहल का अर्थ आप जानने के प्रयास अवश्य करेंगे। कौतूहल का अर्थ होता है जानने की इच्छा। लेखक ये सोचने लगा कि ये नदियां जो हैं आखिरकार ये कहाँ भागी जा रही हैं? ये कौन सा लक्ष्य है जिन्हें इन्हें बेचैन कर रखा है, यानी नदियों को बेचैन कर रखा है और ये इस लक्ष्य को पाने के लिए यहां से निकलकर भागी जा रही हैं। अपने महान पिता हिमालय का विराट प्रेम पाकर भी अगर इनका हृदय अतृप्त ही है तो वह कौन होगा जो इनकी प्यास मिटा सकेगा? लेखक ये सारी बातें सोचने लगा। फिर ये सोचने लगा लेखक, लगता है ये अपने प्रियतम, यहाँ पे प्रियतम किसको कहा गया है बच्चों? समुद्र को, क्योंकि सारी नदियां आखिरकार किससे आकर के मिल जाती हैं? समुद्र से। तो लेखक कहता है कि ये अपने प्रियतम यानी समुद्र से मिलने को बेचैन रहती हैं। इन समुद्र से मिलने के लिए बच्चों ये नदियां घाटियों, उपजाऊ भूमि, तरह तरह के वृक्ष जैसे देवदार, चीड़, सरो, चिनार, सफेदा के जंगलों से गुजर जाती हैं और अंत में अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेती हैं, यानी अंत में आकर ये समुद्र में गिर जाती हैं। शायद यहाँ पहुंचकर इन्हें बीती बातें याद करने का मौका मिल जाता होगा, यानी बच्चों ये नदियां उछलती कूदती हुई समतल मैदानों तक आ जाती हैं और अंत में आकर ये समुद्र में मिल जाती हैं, ऐसा लेखक बता रहा है। बूढ़ा हिमालय अपनी इन नटखट बेटियों के लिए कितना सिर धुनता होगा, यानी जब ये नदियां अपने उद्गम स्थल से निकलती हैं तो उस समय में हिमालय इनको नटखट बेटियां बताता है, तो वह कहता है कि ये नटखट बेटियां कितनी उछलती कूदती हुई जो है यहाँ से गुजर रही हैं, यानी हिमालय इन शैतान बेटियों के लिए कितना परेशान होता होगा। तो बच्चों, आज मैं आपको इससे संबंधित जो प्रश्न इसमें आए हैं उनके बारे में मैं आपसे कुछ प्रश्न अवश्य पूछना चाहूंगी। जितना मैंने अभी तक आपको पढ़ाया बच्चों, उसी से संबंधित प्रश्न मैं आपसे पूछूंगी। जैसे पहला प्रश्न है, लेखक को नदियां कैसी लगती थी? बच्चों, लेखक को नदियां संभ्रांत महिला यानी अच्छे कुल परिवार की महिला समान लगती थी। तो समझ में आया बच्चों? हाँ, तो क्योंकि आपको कहानी के शुरुआत में ही मैंने बताया था संभ्रांत का अर्थ क्या होता है, अच्छे कुल की, अच्छे परिवार की, तो लेखक को नदियां एक अच्छे परिवार की संभ्रांत महिला की समान लगती थी। लेखक नदियों की धारा में क्या करता था? लेखक नदियों की धारा में क्या करता था बच्चों? डुबकियां लगाता था। जैसे आप भी जब किसी नदी में जाते हो नहाने के लिए तो उसमें आप डुबकी अवश्य लगाते हो, वैसे ही लेखक भी नदियों की धारा में डुबकी लगाया करता था। तीसरा प्रश्न, समतल मैदान में पहुंचकर नदियां कैसी हो जाती हैं? बच्चों, समतल भूभाग पर जब नदियां पहुंचती हैं तो ये कैसी हो जाती हैं? इन नदियों का विशाल रूप हो जाता है बच्चों, ये काफी लंबी चौड़ी क्षेत्र को जो है
कवर कर लेती हैं और इनका रूप काफी विशाल हो जाता है। चौथा प्रश्न, लेखक के मन में नदियों के प्रति कैसे भाव थे? लेखक नदियों के प्रति यानी उसके मन में कैसे भाव थे? जब भी हम किसी नदी को देखते हैं तो हमारे मन में एक आदर और श्रद्धा के भाव आते हैं, वैसे ही लेखक के मन में आदर और श्रद्धा के भाव आते थे। क्यों आते थे बच्चों? क्योंकि वह उसमें डुबकियां लगाया करता था, उसे नहाने में बड़ा मजा आता था ना, इसीलिए उसके मन में इन नदियों के प्रति आदर और श्रद्धा के भाव थे। इसके बाद मैं अगला प्रश्न पूछूंगी बच्चों आपसे, हिमालय का चित्रण बच्चों किस रूप में किया गया है? यहाँ पर हिमालय का चित्रण किस रूप में किया गया है? एक बूढ़े पिता के रूप में किया गया है। मैं ये उम्मीद करूंगी कि आप अपनी किताबों को खोलकर इस पाठ को अवश्य पढ़ें, ताकि इसमें आपको जो भी डाउट आए या कोई प्रश्न ऐसा हो या कोई शब्द ऐसा हो जिसका अर्थ आपको समझ में ना आ पाए तो आप हमें पूछ सकते हैं और हम इसका उत्तर आपको अवश्य देंगे। अब इसमें बच्चों, नदियों को मां मानने की परंपरा काफी पुरानी है हमारे देश में, वैसे ही लेखक भी इन नदियों को माँ और दादी के रूप में मान चुका है, जैसे इस कहानी में बताया गया था। तो आशा करती हूँ बच्चों कि आज आपको जितना मैंने ये पाठ पढ़ाया है और छोटे छोटे प्रश्न आपसे पूछे हैं, आपको ये पाठ अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। प्यारे बच्चों, कक्षा सातवीं हिमालय की बेटियां का आधा भाग पढ़ाऊंगी और साथ ही साथ मैं ये भी उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कहानी समझ में आई होगी। तो बच्चों, आपको ये कहानी समझ में आई है ना? तो प्यारे बच्चों, अब हम आगे की पाठ की कहानी आपको बताएंगे। बच्चों, अभी तक आपने नदियों का उद्गम, उछलना, कूदना और समुद्र में मिल जाने तक का सफर सुना और लेखक की जिज्ञासा जानी, बूढ़े हिमालय के विषय में भी जाना। अब हम सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदियों के विषय में जानेंगे, जो पृष्ठ संख्या 13 से ये पाठ वहां से स्टार्ट होता है। तो वहां से आप अपनी किताबें खोलकर वहां से आप ये देख सकते हैं। इन दोनों नदियों के नाम ऐसे हैं बच्चों, जिनको सुनते ही रावी, सतलुज, व्यास, चिनाब, झेलम, कपिशा, गंगा, यमुना, सरयू, गंडक आदि नदियों के बारे में बेटियों के रूप में यानी हिमालय की बेटियों के रूप में ये सारी की सारी नदियां जो हैं ये हमारे सामने नाचने लगती हैं, यानी इनके बारे में हमें जानकारी मिलती है। वास्तव में बच्चों, सिंधु और ब्रह्मपुत्र स्वयं में कुछ नहीं है, यानी ये नदियां अपने आप में कुछ नहीं है। कैसे? जब तक दयालु हिमालय के पिघले हुए दिल की एक एक बूंद ना जाने कब से इकट्ठा हो होकर इन दो महानदों के रूप में समुद्र की ओर प्रवाहित होती रही हैं। ये नदियां हिमालय के पिघली हुई बर्फ से इन नदियों का स्वरूप बना है, तभी ये नदियों का नाम सिंधु ब्रह्मपुत्र। आगे चलकर जैसे जैसे जो है ये नदियां अपना विस्तार रूप लेती जाती हैं, इनके नाम अलग अलग बनते जाते हैं। वह समुद्र बड़ा भाग्यशाली है जिसे सिंधु और ब्रह्मपुत्र दोनों बेटियों का हाथ पकड़ने का श्रेय मिला है। यानी कहने का तात्पर्य यहाँ पर ये है बच्चों, सिंधु और ब्रह्मपुत्र ये दोनों नदियां आखिर में जा करके समुद्र में विलय हो जाती हैं। तो यहाँ पर इन दोनों बेटियों यानी सिंधु और ब्रह्मपुत्र को क्या कहा गया है बच्चों? बेटियां। तो ये दोनों बेटियों का हाथ पकड़ने का श्रेय किसको मिला है? समुद्र को मिला है। यानी अंत में जा करके ये नदियां किस में गिर जाती हैं बच्चों? समुद्र में। और बच्चों, एक बात जानकर आपको और आश्चर्य होगा कि लेखक ने जो है हिमालय को समुद्र का ससुर बताया है, यानी हिमालय की बेटियां हैं वो, तो समुद्र को ससुर बताया है। इसके बाद बच्चों, कालिदास कवि का नाम आता है जिन्होंने अपनी कविता में विरही यक्ष ने अपने मेघदूत से कहा था, यानी नदियों के विभिन्न नाम जो बताए गए हैं बच्चों, उसमें एक नाम बेतवा नदी को कालिदास ने वेत्रवती नाम दिया है, यानी वेत्रवती नदी को प्रेम का प्रतिदान देते जाना। यानी कालिदास ने इस नदी को ये कहा है कि तुम अपने प्रेम का प्रतिदान देते जाना, इससे तुम्हारी प्रेयसी खुश हो जाएगी। तो महाकवि कालिदास को भी नदियों का सचेतक रूप पसंद था,
आपको समझ में आ गया होगा बच्चों कि महाकवि कालिदास ने भी नदियों का सचेतन रूप यहाँ पर बताया है। किस नदी का? बेतवा नदी का। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं बच्चों कहानी में। यहाँ पर एक नाम आता है काका कालेलकर। काका कालेलकर ने नदियों को लोकमाता कहा है। तो बच्चों आपके मन में ये जिज्ञासा आई होगी कि ये काका कालेलकर कौन है। काका कालेलकर एक प्रसिद्ध लेखक थे। आपको मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगी कि काका कालेलकर जो हैं एक प्रसिद्ध लेखक थे और उनका पूरा नाम दत्तात्रेय बालकृष्ण कालेलकर था। आपको उनका नाम याद हुआ बच्चों? क्या नाम था काका कालेलकर का? दत्तात्रेय बालकृष्ण कालेलकर। ये कहाँ के रहने वाले थे? ये कर्नाटक के करवाल जिले के रहने वाले थे। और इनकी मातृभाषा क्या थी बच्चों, जानते हो? इनकी मातृभाषा थी कोंकणी, परंतु सालों से गुजरात में बसने के कारण वे गुजराती भाषा के प्रसिद्ध लेखक बन गए और उन्हें जो है 1965 में साहित्य अकादमी पुरस्कार, उन्होंने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था जीवन व्यवस्था, एक गुजराती निबंध का संग्रह के लिए जो है इन्हें 1965 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। साथ ही साथ बच्चों गांधी जी के साथ इनकी काफी घनिष्ठता थी और उनकी निकटता होने के कारण ही गांधी जी जो हैं इन्हें काका के नाम से बुलाते थे। और 1964 में बच्चों उन्हें भारत रत्न भी प्राप्त हुआ। तो बच्चों ये थोड़ी सी जानकारी मैंने आपको काका कालेलकर के बारे में बताई। तो हाँ बच्चों, काका कालेलकर नदियों को लोकमाता कहते थे। क्यों कहते थे? वैसे ही लेखक ने भी जो है नदियों को माँ कहा है, वैसे ही काका कालेलकर जो लेखक थे उन्होंने भी नदियों को लोकमाता कहा है। लेखक का कहना है कि उन्हें यानी नदियों को बेटियों के रूप में देखने में कोई हर्ज नहीं है, इनमें प्रेयसी की भावना उत्पन्न करनी चाहिए, ये ऐसा लेखक मानते थे। अनेक कवियों ने बच्चों इन नदियों को बहन का स्थान दिया है, किसी ने माँ का स्थान दिया है, किसी ने प्रेयसी का स्थान दिया है, किसी ने प्रियतमा का स्थान दिया है, यानी नदियों के विभिन्न रूपों का स्थान यहाँ पर दिया गया है। तो एक बार की बात है बच्चों, लेखक तिब्बत गया, तब उसका मन उचाट था। उचाट होना विचलित होना। तबीयत भी ढीली थी, यानी तबीयत भी जो है कुछ नरम सी थी, यानी उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। अतः लेखक ने क्या किया बच्चों, तिब्बत पहुंचकर वहां पर सतलुज नदी बह रही थी, उस नदी में अपने पैर लटकाकर लेखक बैठ गया। तो क्या हुआ बच्चों, जब हम ठंडे पानी में पैर लटकाकर बैठ जाते हैं तो हमें बड़ी शांति मिलती है। वैसे ही लेखक के साथ भी हुआ, थोड़ी ही देर में उसका मन जो है ताजा हो गया। और क्या हुआ बच्चों, तब वह जो है एक कविता गुनगुनाने लगा। वह कविता मैं आपको अवश्य सुनाना चाहूंगी बच्चों। लेखक ने उस नदी में बैठ करके, उस नदी में अपने पांव को डुबो करके गाई थी। तो उस कविता के बोल थे बच्चों, जय हो सतलुज बहन तुम्हारी, लीला अचरज बहन तुम्हारी, जय हो सतलुज बहन तुम्हारी, लीला अचरज बहन तुम्हारी, हुआ मुदित मन हटा खुमारी, जाऊं मैं तुम पर बलिहारी। यानी उस नदी के जल में जब लेखक पैर डाल करके बैठ गया तो उसका मन जो बड़ा उचाट हो रहा था वो बड़ा ही मुदित हो गया। तो लेखक ने उस पर बलिहारी जाने की बात कही है। तुम बेटी या बाप हिमालय, बाप हिमालय यानी नदी को बेटी बताया है और उसका बाप कौन है? हिमालय। प्रकृति नटी के चित्रित पट पर अनुपम अद्भुत छाप हिमालय, जय हो सतलुज बहन तुम्हारी। यानी यहाँ पर बच्चों लेखक ने नदी को क्या बताया है? बहन। तो बच्चों ये कविता बड़ी ही सुंदर और बड़ी ही मोहक है बच्चों, जो लेखक ने नदियों के बारे में कही है। पाठ में बहुत सारे कठिन शब्द भी आए हैं, वो मैं आपको अवश्य बताऊंगी। जैसे विराट, विराट का क्या अर्थ होता है बच्चों? बड़ा। विस्मय, विस्मय का क्या अर्थ होता है? आश्चर्य। मौन, मौन का क्या अर्थ होता है बच्चों? चुप। श्रेय, यश। प्रवाहित, बहना। आकर्षक, सुंदर। सचेतन, जानदार। तो ये सारे कठिन शब्द बच्चों इस पाठ में
आए हैं। इसमें एक प्रश्न आया है, सिंधु और ब्रह्मपुत्र की क्या विशेषता है? इस प्रश्न का उत्तर देना चाहूंगी, ये दोनों नदियां बच्चों स्वयं में कुछ नहीं है, जैसा कि इस पाठ के आधार पर बताया गया है। क्या है बच्चों ये नदियां? ये नदियां हैं दयालु हिमालय के पिघले दिल की एक एक बूंद इकट्ठा होकर ये महानद बनी है। यानी हिमालय के बर्फ से पिघल करके एक एक बूंद इकट्ठा होकर के इन नदियों का स्वरूप दिया है, और ये नदियां वास्तव में बहुत ही लुभावनी है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा बच्चों। अगला प्रश्न मैं जो है बताना चाहूंगी, काका कालेलकर ने नदियों को लोकमाता क्यों कहा है? जैसा कि मैंने पाठ में आपको बताया था बच्चों, काका कालेलकर ने नदियों को लोकमाता इसलिए कहा है बच्चों, क्योंकि ये नदियां लोगों के लिए माता के समान पवित्र एवं कल्याणकारी होती हैं, और इनमें ममता की भावना होती है। जिस तरह हर माँ के मन में ममता की भावना होती है, वैसे ही इन नदियों के मन में भी ममता की भावना होती है। इसी किताब में से तीसरा प्रश्न है बच्चों, हिमालय से निकलने वाली नदियों में आज क्या क्या बदलाव आ गए हैं? जैसा कि आप जानते हैं प्रदूषण बहुत ज्यादा हो रहा है, तो नदियों में भी बदलाव आने स्वाभाविक हैं। तो कौन कौन से बदलाव आ गए हैं बच्चों? जैसे कि आप भी जानते होंगे, अब ये नदियां प्रदूषण का शिकार हो गई हैं, अब ये नदियां अपनी पवित्रता खो बैठी हैं। जैसे गंगा है, यमुना है, इन्होंने अपनी पवित्रता, यानी इन नदियों का पानी लोगों ने इतना गंदा कर दिया है कि अब हम इनका इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। और अब इन नदियों का पानी जो है अब पीने योग्य भी नहीं रह गया है। अब इन नदियों का जल प्रवाह भी कम हो गया है, यानी इनके नदियों में जो जल का प्रवाह पहले बहुत ही तेज गति में होता था, अब वैसा प्रभाव नहीं रह गया है। तो बच्चों, आपको ये प्रश्न के उत्तर समझ में आ गए होंगे, और साथ ही साथ आज मैंने जो लेखक के द्वारा बताई कविता थी बच्चों, वो आपको समझ में आ गई होगी और साथ ही साथ आपको अच्छी भी लगी होगी। तो बच्चों, हम अगली क्लास में आपसे फिर मिलेंगे। धन्यवाद बच्चों।